कुछ नहीं, और इसको डालते जाओ, बेलते जाओ, तलते जाओ और खाते जाओ चाय के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उमेश पांडे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज तारीख है 18 और मैं हूँ अपने घर पे, लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ पूरा। और दोस्तों आज मैं आपको एक नई चीज दिखाने जा रहा हूँ और बहुत ही सस्ता और चटपटा नाश्ता और बहुत ही शॉर्टकट, वो सामान रेडी कर रखा है, बस कैमरा लेके जाना है, आपको दिखाना है और बनाना है मुझे, तो जल्दी से जल्दी बन जाएगा। और दोस्तों आज आपसे एक बात करने जा रहा हूँ कि 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली, वो मैंने इसलिए नहीं डाली कि मेरे को ना बार बार वीडियो डालना अच्छा नहीं लग रहा है डेली टू डेली, तो हर 2 दिन के बाद मैं वीडियो डाला करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप देखें और इन्जॉय करें। और इस 2 दिन में मैं घर पर खाली बैठा हुआ नहीं था, मैं एडिटिंग पे ही लगा हुआ था, जैसे कि मैंने कंप्यूटर में अपनी सारी जो है बचपन की फ़ोटो निकाल रखी है, तो वीडियो निकाल रखी है, तो उन पर भी एडिटिंग का काम मेरा चल रहा है। खाली दिन बैठे हुए हैं तो सारे निकाल दिए, मेरे लगे हैं, जितने लगे रहो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा दिन का जर्नी और जो मैंने आपको दिखा दिया, और अब बाकी अब चलते हैं, कुरकुरा और चटपटा मजा आ जाएगा जी आपको, और आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। और पिछला ब्लॉग आपने जो देखा होगा जिसमें मैंने सोले की ट्यून डाली थी, वो बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनी थी और लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लोगों से कि ऐसे ही मेरा साथ देते रहें और मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ जैसे आगने में। तो चलते हैं सर किचन की ओर, आ चुका हूँ, जो कि हमें किचन में सामान सारा रेडी है, बस बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास सामान क्या क्या हमको चाहिए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए आलू, और आलू के साथ चाहिए एक कांटा, और उसके बाद ये हरा धनिया, उसके बाद 4 हरी मिर्च कटी हुई, और एक दाना प्याज मीडियम साइज़ का कटा हुआ, और एक चाहिए नींबू, लेकिन इसमें से हमें आधा ही नींबू चाहिए, और हमें ब्रेड का पैकेट चाहिए, जितना आपने बनाना है उतना ब्रेड आपने इसमें से निकाला। आलू इसमें हमने फटाफट मैश कर देना है, और जैसे कि मैं हाथ से मैश कर रहा हूँ, या आप कांटे से भी मैश कर सकते हैं अगर गर्म हो तो। अभी मेरे हम डालेंगे इसमें प्याज, जितना आपको उसमें प्याज की ज़रूरत है उतना आप प्याज में डाल दीजिए, और ज़्यादा आलू से। और ये डालना है इसमें हरी मिर्च, और ये डालना है दोस्तों इसमें धनिया, और ये इसमें हमने डाल देना है। और एक चीज़ हमने और डालनी है, वो है डालनी है हमने इसमें नींबू काट के, अगर कोई बीज आ जाता है तो आप उसको निकाल सकते हैं, तो ये हमने इसमें। कर लिया था, तो हम इस आलू में थोड़ा सा तड़का मार देंगे, जीरे का तड़का लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड डाल देंगे, और रिफाइंड ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच हमारे लिए काफ़ी है, और थोड़ा सा और डालता हूँ, बस इतना हमारे लिए रिफाइंड काफ़ी है। और उसके बाद गर्म होने देंगे, चाहे तो इसमें लहसुन का भी तड़का मार सकते हैं, पर मेरे पास लहसुन ख़त्म हो चुका है तो मैं लहसुन का तड़का इसमें नहीं मार रहा हूँ। इसमें डालूँगा जीरे के तड़का, तो ये मैं जीरे के तड़का हाथ से ही डाल रहा हूँ, इतना तड़का डालना है, ये काफ़ी है, इससे तड़का मारने से थोड़ा आलू में स्वाद आ जाता है। तो अभी हम ये आलू को हम जो है अभी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम चले जाएंगे। हो चुका है, अब हम कर देंगे गैस को बंद, और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए ब्रेड की ओर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ ब्रेड के पास, हमें ये ब्रेड के पीस चाहिए, मैंने अभी ये ब्रेड के पीस ले रखे हैं, 2, 4, 6 पीस ब्रेड ले रखे हैं, उसे 4 पीस का सेट बनता है, तो मैं 2 निकाल देता हूँ, तो ये 4 पीसों का एक नाश्ता अच्छा बनता है, तो ये 4 पीस मैं क्या करूँगा। हमने क्या करना है, तुम्हारी ब्रेड को बेल देनी है और ऐसा चपटा सा कर देना है, तो वैसे ही आपने इनको भी बेल देना है।
सॉस लगा दिया, तो ये सॉस लगाने से क्या होता है कि थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है इसमें। अब हमने क्या करना है, उसी साइज़ में हमने जो है इसमें ब्रेड डाल देनी है ऊपर से। और दोस्तों हमने अब डाल देना है इसमें जो हमने आलू भुना हुआ था, ये ठंडा हो चुका है तो ये आलू हमने इस पर लगा देना है। फिर इसमें एक बार फिर इसको हमने एक फिर रखना है इसके ऊपर, तो ये ब्रेड हमने इसके ऊपर रख दिया। और फिर हमने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा वो लगा दिया, और सॉस के बाद दोस्तों हमने इसमें अब ऊपर से ये लगा दिया। तो ये दोस्तों हमारा जो है इस तरफ का हमारा ये मीटअप बन चुका है। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको करना है फोल्ड। तो हमने दोस्तों इसको जो है धीरे धीरे करके इसको फोल्ड करना है, तो जैसे कि और ये बीच में टूटना नहीं चाहिए, और इसको जो है धीरे धीरे करके आप जो है मोड़ के हल्का सा मोड़ देंगे तो ये जो है बहुत ही बढ़िया फोल्ड होना चाहिए। ये हमारा इस तरफ का ये बन चुका है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कोल्ड ऑयल, और ऑयल डालने के बाद जो है फिर मैं इनको हल्का सा इनको तलूंगा। करारी, तो अब ये खाने लायक हो चुके हैं, बहुत बढ़िया सॉस के साथ ले सकते हैं इसको आप। तो चलते हैं टेबल पर। हाय गाइस, तो मेरे कुरकुरे ये सब तैयार हो चुके हैं। इसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा और मैं हेडिंग में दूंगा। तो मेरे ये आइटम जो है बन चुका है और बहुत ही सस्ता आइटम है। थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी बेलते समय, बस और कुछ नहीं। और इसको डालते जाओ, बेलते जाओ, तलते जाओ और खाते जाओ चाय के साथ और सॉस के साथ। वेरी टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों
ये हमारी जो है कोपरी बन चुकी है और उसके बाद मैं अपना एडिटिंग का काम चालू करूँगा और इसको खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर अपना काम शुरू करता हूँ। आपको ये मेरा चैनल पसंद आएगा और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी करता हूँ और कल क्या बनाऊँगा वो कल या परसों जो भी है बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।